Benchore! 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 जो आज देश की सत्ता और व्यवस्था पर बैठे हैं, इन लोगों ने इस भारत के लोगों को हमेशा तोड़ने की कोशिश करी है, कभी जोड़ने की कोशिश नहीं करी। कभी इन्होंने वर्ण के आधार पर समाज को बांटा, कभी इन्होंने कर्म के आधार पर समाज को बांटा, कभी इन्होंने जातियों के आधार पर इस देश की जनता को बांटा, और अब फिर आज़ादी के 72 साल बाद ये फिर देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के आर्टिकल 14 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी भारत के नागरिक को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी को भी मतलब उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अगर धर्म के आधार पर NRC लागू करना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। भाई धर्म के आधार पर आप क्यों करोगे, जबकि भारत की प्रस्तावना लिखी है समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, यह है उसमें लिखा हुआ। तो क्या ये लोग संविधान को जानते नहीं है, देश चला रहे? तो इन लोगों ने हमेशा अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग जो हिंदू नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 330, 340, 341, 342 के तहत ये हिंदू है ही नहीं। जब हिंदू नहीं है तो आप ये कह रहे हो, BJP सरकार कह रही है कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेगा, तो फिर अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और इनमें से धर्म परिवर्तित सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ईसाई, जैन कहाँ जाएगा? कि यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन समाज है 100 में 85% है शेड्यूल का, शेड्यूल ड्राइव, अदर ब्लैक पुरस्कार, सर्वे, सभी धर्म परिवर्तित जो अल्पसंख्यक है, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, सबका खून एक है। DNA के आधार पर NRC लागू कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, इसमें लाखों संगठन शामिल है, 550 जिलों में, 55,000 ब्लॉक में, ये तीसरा चरण है भारत बंद का। 20 दिसंबर 2019 को धरना रैली के माध्यम से प्रयोग किया गया था, इसके अलावा 8 जनवरी को किया, और ये पूरे भारत में सफल रहा, सफल है। वो सरकार नाकाम है, वो डरती है, इसलिए आज नेट भी बंद है, इंटरनेट भी बंद कर रखा हुआ है। तो आप जो वो तो ये कहते हैं कि ये जो है यहाँ के जो दलित समाज है वो हिंदू है, तो क्या आप उसको मानते हैं? हिंदू भारत के संविधान के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी धर्म शास्त्र है, बता दे कहीं वो हिंदू शब्द है? पहली बात तो हिंदू शब्द संस्कृत का भी शब्द नहीं है, पाली भाषा का शब्द नहीं, पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। और संविधान ने जो अधिकार दिए वो धर्म के आधार पर नहीं दिए, संविधान में जो अधिकार मिले हैं, जो राइट्स मिले हैं, वो यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो मूल निवासी, उस आधार पर मिले हैं, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उस आधार पर मिले हैं। तो आप क्या हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं? आप डिमांड तो यही कर रहे हैं ना कि NRC वापस लिया जाए, NPR वापस ले, CA वापस लिया जाए, जो संविधान के खिलाफ है, भारत जो मूलभूत अधिकार है, संविधान के जो मूलभूत अधिकार है उसको विरोधाभासी है। EVM को हटाना है, और ये जो सरकार बनी है EVM से चुनी हुई सरकार है, इसलिए जनता की नहीं सुन रही है, क्योंकि 2004 और 2009 में EVM के माध्यम से कांग्रेस चुन कर आई थी, और कांग्रेस और BJP का आपस में पैक्ट हो गया है, इसलिए 2014 और 2019 भी BJP सरकार चुन के, इसलिए जनता की नहीं आवाज कोई नहीं सुनना चाहती। जब हमारा वोट लिया, जब तो हम भारतीय थे, और जब वोट हमारा उससे जीत गए, सत्ता में बैठ गए, तो हमें तो सबूत देना पड़ेगा, सबूत तो उन्हें देना चाहिए कि वो कहाँ के हैं। इसलिए हम सब इस सबका विरोध करते हैं, और हम बिल्कुल एक दूसरे से नहीं लड़ने वाले, हम सारे भारत के लोग एक हैं, सभी धर्म। सरकार हिंदू शब्द पर बैन लगा है सर, इसमें अटैचमेंट EVM का 6 महीने से यात्रा चल रही है बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमर मेश्राम साहब के नेतृत्व में 1 जनवरी को भीमापुरे गांव से ये भारत बंद का ऐलान किया गया था NRC CA और NRP के विरोध। भारत में जो काला कानून है, जिसको हम काला कानून कहते हैं, ये नागरिकता के संशोधन का जो मामला है, इसको हम काला कानून कहते हैं। भारत का एक चल जो भाई, अरे आइए तो आप इधर तो आइए, लागू ना करके हमारे संगठन ने एक EVM की अर्थी निकालो अभियान शुरू किया, और हमने कहा
कि जो ईवीएम मशीन से गड़बड़ी होती है इसको बंद किया जाए और बैलेट पेपर लागू किया जाए, तो कहने लगे नहीं ये संभव नहीं है। तो जब नोट गिनने की मशीन छापी जा सकती है, मशीन बनती है, नोट गिनने की मशीन बन जाती है, बैलेट पेपर गिनने की मशीन नहीं बन सकती, ये हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये अपने घोटालों को अपने झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए नए नए मुद्दे खोज करके लाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो NRC लेकर के आए, इससे 10% अगर मुसलमान इससे दायरे से बाहर होगा तो 90% अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग इससे वंचित होंगे नागरिकता से। अगर हमको नागरिकता से वंचित करते हैं ये षड्यंत्र करके, तो हम देशविहीन राज्यविहीन लोग होंगे। हमारा वोटर ID मान्य नहीं कर रहे, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं कर रहे, हमारा मकान की रजिस्ट्री मान्य नहीं कर रहे, हमारा आधार कार्ड मान्य नहीं कर रहे, तो क्या मान्य कर रहे हो आप? हमारे लोगों के पास 1951 के कागज कहाँ से आए? हमारे लोगों के बाढ़ आती है, आग लग जाती है, बह जाते हैं इस देश से, इस राज्य से, उस राज्य में मजदूरी मेहनत करने के लिए हमारे लोग जाते हैं, तो उनके पास कागज कहाँ से आएंगे? अगर आपको NRC लागू करना है तो मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ये उनको चैलेंज देती हूँ कि अगर उन्हें NRC लागू करना है तो DNA के आधार पर NRC भारत में लागू करें।